हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैनीक्योर। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैनीक्योर में हम कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ मैनीक्योर शेयर करने वाली हूँ। मैनीक्योर के फ़ायदे भी मैंने उस वीडियो में बता दिए थे। तो ये मैनीक्योर का जो प्रोसेस है, ये हाथों और नाखूनों की सफाई होती है। हाथ और नाखून चमकदार बनते हैं, खूबसूरत लगते हैं हमारे हाथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टब में, छोटे से टब में गर्म पानी लिया है और उसमें मिलाया है आधा ढक्कन अमोनिया और आधा ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके साथ ही हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेडिक्योर का शैम्पू लिया है, आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से मैंने रोज़ की पत्तियाँ डाली है और थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया है, जिससे कि वो हाथों को बर्दाश्त हो सके। पानी इतना गर्म लेना है जिससे हाथ बर्दाश्त कर सके। और देखिए यहाँ पे मैंने कैसे अपने सारे टूल्स रख लिए हैं। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैनीक्योर का पहला प्रोसेस। तो इस तरह से कॉटन में नेल पेंट रिमूवर लेके सबसे पहले अपने क्लाइंट के सारे नेल पेंट आप उतार लें। नेल पेंट उतारने का तरीका ये है कि उस नेल्स में कॉटन को दबाएं उंगलियों से और थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए सारे नेल पेंट उतार लें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने ब्लू नेल पेंट लगा रखी थी, जो कि काफ़ी स्ट्रांग था, तो उनके हाथों पे ब्लू 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 दाग रह गए हैं। लेकिन लास्ट में जब हम मैनीक्योर करके उनको देंगे तो इनके सारे दाग वाग निकल जाएंगे। अब बारी आती है फाइलर की। तो फाइलर से हम नाखूनों को शेप दे रहे हैं। आप भी मनचाही शेप दे दें। यहाँ पे राउंड शेप दिया है मैंने, आप चाहे तो स्क्वायर में भी दे सकते हैं। अगर नाखून लंबे नहीं है तो भी आप शेप थोड़ा सा कर लें, और अगर ज़्यादा लंबे नाखून है, क्लाइंट चाहे कि कटवाना है तो काट सकते हैं। उसके बाद ज्वेलरीज को उतार दें हाथों से। और अब स्टार्ट किया है मैंने स्क्रबिंग। स्क्रबिंग से क्या होगा, डेड स्किन जो है वो सारे निकल जाएंगे, तो इसलिए हाथों में हम स्क्रब करते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्लेन मैनीक्योर बता रही हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रब नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन स्क्रब कर लेने से क्या है, हाथों की डेड स्किन निकल जाती है और हाथ काफ़ी साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। तो स्क्रबिंग करने के बाद फिर से मैं इसको टॉवल से स्क्रब्स को पोंछ लूँगी और फिर मैं पानी में हाथ डुबा दूंगी। मैं यहाँ पे एक हाथ पे करके दिखा रही हूँ, दोनों हाथों पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो यहाँ पे एक ही हाथ पे करके दिखा रही हूँ मैं। आप दोनों हाथ पे करें। और नेल्स पे क्रीम लगाने के बाद, क्यूटिकल क्रीम यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, नेल्स पे क्रीम लगाने के बाद आप हाथों को पानी में डिप कर दें। आप थोड़ा सा बड़ा टब भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है इसलिए मैंने मॉडल को खड़े करके ही मैनीक्योर कराया है। लेकिन आप पार्लर में कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को आप बिठा के करें, कंफर्टेबल आपका क्लाइंट कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद फिर पुशर लिया है मैंने और क्यूटिकल को पुश कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही थोड़े से जो ब्लू ब्लू कलर के नेल पेंट रह गए थे उसको भी मैं हल्के हल्के क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से पुशर की मदद से, इसका नाम पुशर है, ये जो टूल्स है मैनीक्योर का, इसका नाम पुशर है। और इसको धीरे धीरे करके क्यूटिकल्स को हम इसे पुश करते हैं तो हमारे नाखून लंबे हो जाते हैं। और अब यहाँ पे क्यूटिकल कटर का यूज़ कर रही हूँ मैं, जो सीजर टाइप का मैंने दिखाया था आपको। आप चाहे तो एक दूसरा वाला जो है, इस तरह वाला भी क्यूटिकल कटर यूज़ कर सकते हैं। उसमें डेड स्किन जो होती है उसको काट काट के हम निकाल देते हैं। यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक आप काम करें। उसके बाद मैंने लिया है नेल ब्रश। मेरा नेल ब्रश और प्यूमिक स्टोन एक ही में है, तो नेल ब्रश में थोड़ा सा शैम्पू, ब्रश को थोड़ा सा गीला किया और शैम्पू लेके अब हाथों में जो नेल्स थी उसकी सफाई कर रही हूँ मैं। नेल्स के साथ साथ हल्का हल्का मैं थोड़ा सा हाथों में भी रगड़ूंगी, स्किन भी साफ हो जाएगा। तो आप इसको हल्के 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 से तब तक रगड़ लें जब तक कि हाथों की अच्छी तरह से सफाई ना हो जाए, डेड स्किन वगैरह निकल ना जाए। अब हाथ हो गए हैं नेल ब्रश से क्लीन, और अब मैं आराम आराम से प्यूमिक स्टोन चला रही हूँ। प्यूमिक स्टोन खुरदुरा सा पत्थर होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे भी हाथों की गंदगी निकलती है और डेड स्किन वगैरह निकल जाते हैं। तो आप कूनी तक नेल मैनीक्योर कर सकते हैं, हमें हाथों का ही दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने लिया है झावा। इससे लास्ट में हम सारा काम करने के बाद लास्ट में हम इससे शैम्पू लेते हैं और पूरे हाथों को हल्का हल्का सा रगड़ते हुए साफ कर लेते हैं। अब हाथों की इतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाने के बाद हाथ काफ़ी खूबसूरत तो दिखाई देंगे ही। तो देखिए
अब झाबे का भी काम हो गया, अब हम हाथों को फिर से पानी में डिप कर देंगे और साफ पानी से, एक मग में मैंने यहाँ साफ पानी लिया है और दोनों हाथों को हम धुलवा लेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, एक हाथ पे ही मैं करके दिखा रही हूँ, आप दोनों हाथों पे करना अपने क्लाइंट को। और इस तरह से आप देखिए कि सारे नेल पेंट ब्लू ब्लू जो थे सो निकल गए और हाथ कितने साफ सुथरे और क्लीन हो गए हैं। अब उसको सूखे टॉवल से पोंछ लीजिए, उसके बाद फिर क्लीनर से नाखूनों के पीछे का हिस्सा को साफ कर लीजिए। कई क्यूटिकल रिमूवर के पीछे क्लीनर भी होता है। और अब बारी आती है हाथों की मसाज की, तो हाथों की मसाज के स्टेप्स मैं किसी अगले वीडियो में सेपरेटली बना दूंगी अगर आप कहेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा ही है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपके देखने के लायक बना लिया है। तो जितना मसाज आपको समझ आ रहा हो उतना आप देख लें, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट कर दें, तो मैं मसाज की एक हैंड मसाज की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सारे फिंगर्स की मसाज की है मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद सारे प्रेशर पॉइंट्स लिए हैं मैंने, सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं ये उंगलियों के बीच बीच में, सारे प्रेशर पॉइंट्स को दबाया है मैंने। प्रेशर पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे भी होता है, उसको भी दबाना होता है। और इस तरह से हाथों को काफ़ी आराम मिलता है जो हाथ कंप्यूटर वर्क करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो या फिर हम घर के ही काम करते हैं, तो हमारे स्किन पे परत दर परत गंदगी जमती चली जाती है, मैल जमता चला जाता है, डेड स्किन जमती चली जाती है। तो इस तरह से मैनिक्योर करा लेने से हाथ काफ़ी साफ सुथरे हो जाते हैं। उसके बाद अब दे रही हूँ मैं वाइब्रेशन, तो हाथों को अच्छी तरह से वाइब्रेशन देने के बाद फिर से मैं मसाज कर रही हूँ। और हथेलियों में भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, उसको भी मैं दबा रही हूँ। और उसके बाद अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हथेलियों को आराम मिल जाता है और स्किन भी काफ़ी कोमल सुकुमार और सुंदर सी हो जाती है। अब फिंगर्स में जो काले काले जम जाते हैं फिंगर्स के बीच बीच वाले हिस्से में, वहाँ भी अलग से मसाज कर देंगे आप, तो वो कालापन जो है निकल जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप अपने क्लाइंट को मसाज करके देंगे तो आपका क्लाइंट खुश होकर जाएगा। उसके बाद हथेली के पीछे एट एट बनाया है मैंने, और अब कर रही हूँ पिंचिंग। पिंचिंग के बाद कर रही हूँ पैटिंग। पैटिंग करने के बाद सारे मसाज स्टेप्स के मैं नाम भी बता दूंगी आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अलग से आपको मसाज के वीडियो देखने हैं या नहीं। और अब जब नेल पेंट लगाना है तो नेल पेंट रिमूवर से एक बार फिर से नाखूनों को क्लीन कर लेना है, क्योंकि नाखूनों पे क्रीम लगा था और क्रीम पे नेल पेंट एप्लीकेशन ठीक से नहीं होता। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का नेल पेंट मैंने लगाया है, आप चाहें तो कोई भी कलर का लगा सकते हैं। नेल पेंट के जो कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर का नेल पेंट लगा सकते हैं। नेल पेंट लगाने का भी एक तरीका है, बीच में पहले लगाइए, उसके लेफ्ट साइड फिर राइट साइड में लगाइए, इस तरह से नेल पेंट जल्दी लग जाता है। और अब नेल पेंट सूख गया तो उसके ऊपर मैं टॉप कोट लगवा रही हूँ। टॉप कोट लगाने से नेल पेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और उस पर एक अलग सी चमक बनी रहेगी। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, अगर अच्छा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक तो कर ही देना, लाइक करने से मोटिवेशन आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।